हाँ तो बच्चों बच्चों, मैं आज आप लोग के सामने बात करने वाला हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हर बार आपके एग्जाम में 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, समझ गए ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके एग्जाम में 10 नंबर हर बार पूछा जाता है बाबू, और ये बहुत आप लोगों को हार्ड लगता होगा, पर आज मैं हार्ड लगने नहीं दूंगा। आज जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, प्रीवियस ईयर में 10 साल में जितना भी पूछा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, मैं सारा भी बता दूंगा। आप बस लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना बाबू। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ो और लास्ट तक देखना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2020 में, 18 में, 17 में, 15 में, 10 में, 9 में कितना बार रिपीट किया है? देख रहे हैं ये सेम क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया आपके एग्जाम में। अगर आपको विश्वास नहीं है बाबू, तो आप अपना क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, मैं सारा सेलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, समझ गए। तो देखिए इसमें पक्का जो मैं आज बता रहा हूँ इसमें पक्का आएगा, एक तीन आएगा पक्का इसमें, और तीन में कोई एक, तीनों हाँ आपके एग्जाम में दिया जाएगा उसमें एक कोई लिखना होगा। तो मैं अभी 5-6 अभी आपको बता रहा हूँ, उसमें पक्का 3 आएगा, उसमें आराम से आप लिख लेना। तो समझते हैं सबसे पहले, पहला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश को ही हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश कहते हैं, सब बात एक ही है, बस क्वेश्चन घुमा घुमा करके आपको देगा, तो आपको उससे घबराना नहीं, आप सर के साथ पढ़ रहे हो, है ना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बाबू, समझते हैं पूरा एकदम, मैं आपको समझा दूंगा लाइन बाय लाइन। आपको जो डर लगता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, मैं इजी कर दूंगा अभी आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है, इंग्लिश इज सेड टू बी ग्लोबल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इज सो मेनी कंट्रीज एज इट इज। कह रहा है बच्चे कि ग्लोबल इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक, पहले बताना है क्वेश्चन कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो सभी देशों में बोला जाता है। उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, मतलब एक समझ गए ना, एक ऐसे लिखना है, समझ जाइए उस पर। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश इज सेड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एट इट इज। कह रहा है इस कोई दूसरा ऐसा भाषा नहीं है जो इंग्लिश के जैसा पूरे देश में, मतलब सभी कंट्रीज में इंटरनेशनल तौर पे, ग्लोबल तौर पे पढ़ा जाता है और बोला जाता है, समझ गए। पढ़ा जाने कहने का मतलब किताबों में पढ़ा जाना, सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाना और बोला जाता है। कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ इंग्लिश इस तरह से, मतलब इंग्लिश के बाद कोई दूसरा लैंग्वेज बोला जाता है इंग्लिश के जैसा, समझ रहे हो। फिर है नेचुरली इट हैज़ बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स साइंस एंड डिप्लोमेसी। कह रहा बच्चे कि इट हैज़ बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ, ये एक तरह का लैंग्वेज बन गया, किस तरह का लैंग्वेज बन गया, कहाँ कहाँ ये यूज में आती है, वही बातें। इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार होता है जहाँ, तो वहाँ भी देखिए इंग्लिश का यूज होता है। फिर कॉमर्स में यूज होता है, साइंस में यूज होता है, डिप्लोमेसी में यूज होता है। डिप्लोमेसी आप समझ रहे हो, डिप्लोमेसी मतलब हर देश में, जैसे इंडिया का है तो इंडिया का भी, देखिए इंडिया में डिप्लोमेसी बना हुआ रहता है। जैसे इंडिया में एक ऑफिस फ्रांस का भी बना, एक चाइना का भी बना, एक नेपाल का भी बना है, एक इंग्लैंड का भी बना है, एक अमेरिका का बना है, इस तरह का यहाँ ऑफिस बना होता है, ताकि टूरिस्ट लोग आए यहाँ तो उनको परेशानी ना हो, इसे उसी को ही डिप्लोमेसी कहते हैं, है ना। अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं बाबू, आगे चलते हैं। ऑल दो इट हैज पूरा समझा देंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप लास्ट तक बने रहना सर के साथ, ठीक ना बाबू। ऑल दो इसको अच्छा समझना है, ऑल दो इट हैज एक्वायर्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट हैज बीन कंडीशन टू द यूज ऑफ लोकल एक्सप्रेशन। एकदम लाइन बाय लाइन समझो, कर ऑल दो, हालांकि इट हैज एक्वायर्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको एक तरह का विशिष्टता है, एक विशेषता प्राप्त हो गई है, समझिए ख्याति प्राप्त हो गया इसे, किसको, इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे, किसको, इंग्लिश को, ठीक है। इट हैज बीन कंडीशन टू द यूज ऑफ लोकल एक्सप्रेशन, और इसमें एक तरह का, इसको हम लोग लोकल एक्सप्रेशन में भी यूज करते हैं, जैसे देखते हैं घरेलू बातचीत में भी हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो ही लोकल एक्सप्रेशन में भी हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश फॉर इंस्टेंस डिफर इन स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड्स, द एक्सप्रेशन टू इज डिस्टिंग
डिस्टिंक्टली इट्स ऑन। कह रहे बाबू अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो है फॉर इंस्टेंस मतलब आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं डीफर इन द स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड, जिसे जो इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, जो दूसरे अलग अलग देशों का अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा, और प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है अलग अलग होता है, वही कह रहा है डीफर इन स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड। बहुत सारे वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा अलग है यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश से थोड़ा, है ना। हम लोग जो यूज इंग्लिश करते हैं यूके का यूज करते हैं, यूनाइटेड किंगडम का क्यों यूज करते हैं बाबू यूके का, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंग्लिश आई है कहाँ से आई, अंग्रेजों से आई। अंग्रेज मतलब अंग्रेज कहाँ के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, लंदन के थे, समझ गए, इंग्लैंड के थे, सब ब्रिटेन के थे, सब एक ही जगह का नाम है, ब्रिटेन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, सब एक ही है। वो सब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अपना भाषा हमें दे गए, है ना। तो वही चीज़ें आप इंग्लिश में अच्छे से समझ लो हिंदी में इंग्लिश का, और अपने लैंग्वेज में आप लिख देना। ऐसे इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लास्ट तक देखो बाबू, पीडीएफ भी दूंगा। आप जल्दी जल्दी कमेंट करो कैसा आपको लग रहा है सेशन हमारा, और लास्ट तक देखना तो आराम से आपको पीडीएफ मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं बाबू कि आपको मैं पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूं इधर कुछ दिनों से, करीब 2 दिन हो गया पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी व्यस्तता बन गई है इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। पर कल शाम तक मैं सबको पीडीएफ दे दूँगा, कल तक हमारा कुछ काम है तो हम उसी में बहुत ज़्यादा अभी व्यस्त हो गए हैं, तो कल के बाद हम फ्री हो जाएंगे बाबू, तो कल रात में लगभग सबको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, आप क्यों हमें, मैं बहुत आपका ख्याल रखता हूँ, थोड़ा व्यस्तता हमारा भी आप समझना। हाँ, तो द एक्सप्रेशन टू इज डिस्टिंक्टली इट्स ऑन, तो उसका अलग 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 क्षेत्रों का, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग इंग्लिश का अलग अलग अपना अपना क्या होता है, विशिष्टता होता है ना, डिस्टिंक्टली इट्स ऑन। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं बाबू। सिमिलरली इंडियन इंग्लिश हैज़ बीन कंडीशनड इन लोकल वे ऑफ लाइफ, कह रहा है इसे उसी रूप में हम लोग देखते हैं इंडियन इंग्लिश, जो इंडियन इंग्लिश होता है कंडीशन इन लोकल वे ऑफ लाइफ, उसमें क्या होता है लोकल, एक इंडियन जो हम लोग जीने का जो तरीका होता है, हम लोग अपने हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, है ना। इंडियन वाले देखते हो हम लोग इंग्लिश का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्षेत्र में करते हैं इंग्लिश का भी। इन द नॉवेल्स ऑफ मुल्क राजानंद, मुल्क राजानंद एक राइटर है, तो उनके नॉवेल में जब हम लोग देखते हैं तो वी फाइंड द यूज ऑफ लोकल डायलेक्ट, डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, डायलेक्ट मीन्स क्या होता है बोली, वी फाइंड द यूज ऑफ लोकल डायलेक्ट सो अब्यूजेज आर कंसर्न्ड। कह रहा है कि उनके जब हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं बाबू मुल्क राजानंद का, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पाते हैं जो कि लोकल बोली उसमें प्रयोग किया गया, जैसे जो हम लोग गाली उली देते हैं तो उनके नॉवेल में गाली भी लिख दिया गया है ना, वही चीज़ें बोली गई है। सम लोकल इंडियन फ्रेजेज हैव ऑल्सो बिकम पॉपुलर, इंडियन जो फ्रेजेज है जैसे मुहावरा है, कहावत है ना, तो वो सब भी क्या होता है पॉपुलर हो गया इंग्लिश में, समझ रहे हो। दस इंग्लिश विदाउट एनी डाउट मे बी कॉल्ड ग्लोबल, तो इसलिए हम लोग बिना किसी तरह के डाउट को हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ग्लोबल इंग्लिश को हम लोग ग्लोबल इंग्लिश बोल सकते हैं, या इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे मतलब उनको हम लोग स्थान दे सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू, अब आगे है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, राइट अ नोट ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। अब यहाँ पे एक नोट आपको बनाना है डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये देखिए 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 19 में पूछा है, 15 में और 13 में पूछा है, इसको भी आप लास्ट तक अच्छे से समझ लीजिए एक बार। पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, पीडीएफ दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं हिंदी समझा रहा हूँ, आप लास्ट तक देख लेना बाबू, हो सकता है बोरिंग फील कर रहे हो, नो टेंशन। अरे बोरिंग क्या करना है यार, यही तुम जब तक हिंदी नहीं इसका समझोगे थोड़ा बहुत भी, तो समझ जाओ तुम एग्जाम में या पीडीएफ ले करके भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप आराम से समझ लो। अभी क्या लगेगा 15-20 मिनट का तो वीडियो रहता है यार, 15-20 मिनट में तुम इसको समझ लो, एग्जाम में रोगे अगर नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं, 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर और मैं बताऊंगा, और ये सब बार बार रिपीट कर रहा है और आपके मॉडल पेपर में भी दिया ये सब क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए पूरा इसका लिखने का तरीका भी बता देंगे आप, ठीक है। द सेंट्रल मिडिल इंग्लिश, अब कह रहा है सबसे क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन आप समझोगे तब, कह रहा है मिडिल इंग्लिश की जो बोली थी, डायलेक्ट मीन्स क्या होता है बोली, क्वेश्चन समझो, राइट अ नोट ऑन द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश की जो बोलियां थी उसके बारे में कुछ नोट लिखिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है, और आपको एग्जाम में लिखना। एग्जाम में लिखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बाबू, जब इस तरह का या किसी भी तरह का बड़ा आंसर जब लिखना हो ना, 5 नंबर का अगर आंसर लिखना हो, ठीक है, 5 मार्क्स वाला, तो उसमें आप पूरा कोशिश करना कि पैराग्राफ 3-3 लाइन 4-4 लाइन पे चेंज करते जाना पैराग्राफ, तो उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना।
लिखना कैसे उस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे कि आपको ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। आप ऐसा तरीका बता दूंगा ना कि आपको बहुत नॉलेज है, पर आपको अगर लिखने का तरीका मालूम नहीं है ना बाबू, तो आप फेलुअर हो जाओगे एग्जाम में। अच्छा लिख करके भी आओगे, नंबर अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक पैटर्न जानो कि लिखना कैसे है, समझ। जैसे हम लोग युद्ध जाते हैं, युद्ध में तो गोली हमारे पास, बंदूक वगैरह सब है, समझ गए, उसमें गन भी है और उसमें गोली बुलेट भी है, पर अगर मुझे चलाना कैसे है ये अगर नहीं मालूम है तो बताओ हम लोग फेल करके आ जाएंगे, वहाँ मरा करके आ जाएंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, हमारी शहीद होकर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ भी। तो आपको सब पूरा नॉलेज है, पर अगर लिखने का पैटर्न मालूम नहीं ना है तो आप फंस जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नंबर आपका कम जाएगा। तो देखिए हम पहले वही बताएंगे। तो आपको इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी सब्जेक्ट में जब लिखना तो पैराग्राफ चेंज करते जाना, चार चार पाँच पाँच लाइन पर पैराग्राफ चेंज करना। इंग्लिश में तो और चार लाइन तीन लाइन पर पैराग्राफ चेंज करते जाओ तो उसमें ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। टीचर को डायरेक्ट पॉइंट दिखती है अगर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तब, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। इसलिए देखिए सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ज्ञान में आपको देता हूँ ताकि आपके एग्जाम से संबंधित है बाबू। द सेंट्रल मिडिल इंग्लिश वॉज मार्क्ड बाई द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी डायलेक्ट्स। कह रहा है सेंट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझना, और इतना इजी लैंग्वेज में बना दिया हूँ कि आपको कहना नहीं है। द सेंट्रल मिडिल इंग्लिश वॉज मार्क्ड बाई द ग्रेजुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी डायलेक्ट। लिटरेरी डायलेक्ट मतलब होता है जो साहित्यिक बोलियाँ हैं ना, साहित्य में जो बोली या भाषा का प्रयोग किया गया है उससे ये धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन होता है। वही कह रहा है द सेंट्रल मिडिल इंग्लिश वॉज मार्क्ड, वहीं से ये चिन्हित किया गया है, बाई द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ लिटरेरी डायलेक्ट, मतलब साहित्यिक रूप में वो क्या हुआ, धीरे धीरे बना है ना, साहित्यिक बोलियों के रूप में। द यूज ऑफ एन ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मतलब जो उच्चारण होता है ना, हिज्जे जो होता है, बर्तनी होती है, उसी को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। द यूज ऑफ एन ऑर्थोग्राफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम। इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स क्या होता है, प्रभावित। वही कह रहा है जो यहाँ का प्रोनंसिएशन है, जो बर्तनी है इंग्लिश का, वो पूर्ण रूप से किससे प्रभावित है, तो एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम से है, क्योंकि ये विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा मतलब अंग्रेज की भाषा थी ना, तो उसी अंग्रेज को ही एंग्लो कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन राइटिंग सिस्टम में से प्रभावित है इंग्लिश, है ना, मिडिल इंग्लिश प्रभावित थी, ठीक है, और उसकी बोलियां भी। तो ही है, फिर आगे चलते हैं। द लॉस ऑफ प्रोनंसिएशन एंड द बोरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंग्लो नॉर्मन वर्ड्स। कराए बहुत सारा प्रोनंसिएशन का लॉस हुआ है, एंड बोरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंग्लो नॉर्मन वर्ड, और फिर बहुत सारा एंग्लो नॉर्मन वर्ड को भी क्या किया गया, उधार लिया गया है। बोरिंग मतलब क्या होता है, उधार लिया गया बहुत ज़्यादा संख्या में एंग्लो नॉर्मन वर्ड। द फिर आगे चलते हैं, मतलब इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में उधार लिया गया था उससे। जैसे हम ही लोग का इंग्लिश क्या है, हम लोग का इंग्लिश जो है पूर्णतः इंडियन इंग्लिश थोड़ी है, हम लोग यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ से, यूनाइटेड इंग्लिश के भी साथ साथ हम लोग स्पेनिश, अमेरिकन इंग्लिश, बहुत सारा देश का हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, समझ गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो देशज और विदेशज जो शब्द है वो सब इंग्लिश से ही आता है ना हिंदी में, तो उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारा हम लोग अमेरिकन इंग्लिश, चाइनीज इंग्लिश, हम लोग अलग अलग इंग्लिश भी यूज करते हैं, स्पेनिश कुछ शब्द यूज करते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। द पीरियड वॉज स्पेशली मार्क्ड बाई द राइज ऑफ लंदन डायलेक्ट। करा जो पीरियड था स्पेशली मार्क्ड था, वो स्पेशली चिन्हित किया गया था, द राइज ऑफ लंदन डायलेक्ट, वो लंदन की बोली से वो कहाँ हुई निकली है, ठीक है, इन द हैंड ऑफ कौन बोली, मिडिल इंग्लिश कहाँ से निकली है, लंदन की बोली से निकली है, इन द हैंड ऑफ सच राइटर एज जॉन गोअर एंड जेफरी चौसर। और उस तरह से उसी समय हम लोग देख सकते हैं कुछ राइटर आए थे, कौन मिडिल इंग्लिश के राइटर कौन कौन थे, मिडिल इंग्लिश के टाइम के राइटर थे जॉन गोअर एंड जेफरी चौसर, इसको हम लोग कहेंगे जेफरी चौसर, ठीक है, आप समझ गए बाबू। देखिए कितना छोटा मैं नोट बनाया हूँ, इतना आप कर लेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 और 20 में 15-13 में पूछा है। हम लोग अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद इस बार भी मॉडल पेपर में भी आपका आया है, समझे ना बाबू। हर बार आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल इससे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, समझे, उसमें एक आपको करना होगा, समझ गए, 5 नंबर कर रहा था, फिर 5 नंबर का आपको देगा वही राइटर ये सम्मिलान करने के लिए, तो आपको ये कंपलसरी है याद करना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे समझ लो, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये क्वेश्चन बाबू आपका पूछा है 2019 में 15 में, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, 2019 में
15 में, 11 में, 10 में, 9 में कितना बार रिपीट किया है, इसलिए इसको और अच्छा समझते हैं। द इंग्लिश हैज फ्यूचर, मतलब कह रहा है कि इंडिया में इंग्लिश का फ्यूचर क्या है, इस पे फ्यूचर में मतलब भविष्य में इंग्लिश कहाँ तक जा सकता है इंडिया में, इस पे एक आप ऐसे लिखिए, नोट लिखिए, समझ गए, तो उस पे देखिए बात करेंगे। तो आप जानते ही हो इंग्लिश का कितना स्कोप है हमारे इंडिया में, प्रेजेंट टाइम में भी और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, तब देखिए उसी पे बात करेंगे अभी। समझ रहे हो ना बाबू कैसा लग रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बॉस के साथ आप पढ़ रहे हो, आपको भी बॉस बना देंगे, बॉस के साथ पढ़ोगे बॉस बनोगे, बॉस जैसा नंबर भी लाना है ना। तो जल्दी से आप कमेंट करो, लग कैसा रहा है, आप मोटिवेशन बना कर रखो यार। तू लोग कमेंट नहीं करते, पॉजिटिव कमेंट करो, आज समझाने के लिए आया हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है बाबू, और इतनी व्यस्तता के बाद भी मैं आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ, समझ जाइए। पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी आप लोगों की एग्जाम है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। अब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ जाएगा, पक्का आएगा, देखना आप। द इंग्लिश हैज फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो, कह रहा है कि इंग्लिश का जो फ्यूचर है इस कंट्री में भी है, क्योंकि इंडिया इज इकोनॉमिकल अ राइजिंग कंट्री, क्योंकि इंडिया जो है इकोनॉमिकली वे में, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, ठीक ना, आर्थिक रूप कहने का मतलब है पैसे से, पैसा मतलब व्यापार से संबंधित चीज़ों में हमारा देश क्या, उसी को इकोनॉमिकली कहते हैं, पैसा लेन देन का जो बातें आती है ना, वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से राइजिंग कंट्री है हमारा जो देश है, मतलब इकोनॉमिकली वे में क्या है, एक राइजिंग कंट्री है, उभरता हुआ देश है, समझ रहे हैं। हमारा देश सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहा है चाइना से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, कितने देशों से हमारा देश ट्रेड कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहा है, बिजनेस का है ना, ट्रेड का, तो ही कह रहा है। इंडिया में इंग्लिश का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होगा आगे भी और आज भी है। ऑल रिसेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आर फाउंड इन द बुक्स ऑफ इंग्लिश, कह रहा है जितने भी तरह के इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार होते हैं या खोज होते हैं, सब कुछ इंग्लिश में ही आता है ना, सब कुछ किस में आता है, इंग्लिश के ही बुक में आती है वो सारी चीज़ें, लिख मतलब छप करके। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश के बिना बेटा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बेटा मतलब आप लोग बाबू हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, है ना, आप लोग बेटा मत समझ लेना यार। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, समझ गए ना, हम लोग इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं बाबू, इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया, इंग्लिश देखो आपको लग कैसा रहा यार, थोड़ा मोटिवेशन बनाओ, किसी को भी देखते हो आप थोड़ा मोटिवेट करते हो तो ज़्यादा देर तक व्यक्ति टिकता है, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट करते रहो, कमेंट अच्छा अच्छा करो, और अच्छा वीडियो लग जाए नहीं तो सबको भेजना स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला, 5 नंबर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लिए तो आपका 10 नंबर, 5 से 10 नंबर एकदम फिक्स हो गया, समझ जाइए, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। अब PDF भी मैं दूंगा, आप लास्ट तक बस पहले अच्छे से समझ लो, बिना हिंदी इसका समझे आप PDF भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं हिंदी समझा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब चलिए बाबू, है इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कह रहा है इंग्लिश का फ्यूचर जो है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, क्योंकि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन भी है, कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्विकीकरण हो गया, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोला जा रहा है, इसलिए इंडिया में भी इसका फ्यूचर क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा मतलब सुनहरा है, गोल्डन फ्यूचर है इसका, है ना। मार्केट इकोनॉमी हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग, कह रहा है जो मार्केट इकोनॉमी है, जो बाजार पकड़ा हुआ है, वही का बाजार में भी किसका डिमांड है, बाजार भी एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड में काम कर रहा है, इंटरनेशनल व्यू पकड़ा हुआ है मार्केटिंग। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इंडिस्पेंसिबल इन सच सिचुएशन, इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है ये अनिवार्य, मतलब कंपलसरी, समझ गए ना, इसी का सिनोनिम इंडिस्पेंसिबल कहने का मतलब है कंपलसरी, ठीक है। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कंपलसरी, वही इंडिस्पेंसिबल मतलब कंपलसरी इन सच सिचुएशन, इस तरह का जब इंग्लिश क्या हो गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, तो इस तरह से हमारा इंडिया में भी क्या है, इंग्लिश हमारे यहाँ इस सिचुएशन में ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंग्लिश का जरूरी मतलब कि जानकारी होना, ज्ञान होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एकदम बच्चे जैसा समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब आगे चलते हैं बाबू, इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब अच्छे समझना इस बात को, इंग्लिश है जनरेटेड, इंग्लिश क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है इंडिया में रोजगार का, इंग्लिश की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। जैसे एग्जांपल में देख लो, 1000 of call center require employees who have knowledge of English, कर रहा है बहुत सारे कॉल सेंटर है इंडिया में बेटा बाबू, उसमें क्या है बेटा मतलब वर्थ न मत लेना यार,
है ना, रिक्वायर इम्प्लॉयज, मतलब वहाँ लोगों की जरूरत है, इम्प्लॉयर की जरूरत है जो इंग्लिश जानता है, जिसके पास इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलना जानता है उसको वहाँ कॉल सेंटर में जरूरत है। दस द फ्यूचर ऑफ और मल्टीनेशनल कंपनी में भी, कंपनी में भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंटरव्यू में ही आप छट जाओगे, आउट हो जाओगे। तो इंग्लिश जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट, इसलिए इंग्लिश का जो फ्यूचर है इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, गोल्डन है, सुनहरा है, स्कोपेबल है, समझ गए हो, बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोएट्री, एक शॉर्ट नोट बनाइए इंडियन इंग्लिश पोएट्री पे, समझ रहे हो, इसको अच्छे समझना बाबू। राइट अ शॉर्ट नोट, ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया आपका 2019 में, 17 में, 15 में, 12 में, ये कितना साल पूछा है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सब रिपीट किया गया, इसलिए इस बार भी आने की संभावना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना बाबू। और पीडीएफ भी दूंगा आप लास्ट तक, बस खाली देख लो ना यार, पीडीएफ के लिए क्यों घबराते हो, बॉस के साथ पढ़ रहे हो तब, थोड़ा व्यस्तता बनी इसलिए पीडीएफ नहीं दे पा रहा था, अब पीडीएफ दूंगा, कल रात तक सबको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा हूँ 3-4 दिन से, थोड़ा कुछ ऑफिशियली वर्क में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। और मुझे तो मतलब पढ़ाना भी नहीं चाहिए था इतना ज़्यादा, मैं फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और चलिए बाबू हम लोग बात करते हैं, दिस इज द इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। अब देखो इसको अच्छे समझना, कह रहा है दिस इज द एज ऑफ साइंस, आज का जो एज है बेटा क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी का एज है, आज का जो युग है किसका युग है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट समझते हो ना, जो विश्व से पूरे वर्ल्ड से मार्केटिंग हो रही है, हम लोग पूरे बस विश्व के साथ वर्ल्ड के साथ हम लोग का मतलब ये हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसी को हम लोग ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग का शेयर मार्केट है तो क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल वो सब बाजार है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल इकोनॉमी है। फिर आगे चलते हैं, द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज, इस एज में इंडियन लोगों के पास, मतलब भारतीय लोगों के पास इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, किसी भी तरह का काम करने के लिए, वो चाहे काम साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, या मार्केटिंग का हो, है ना। हम लोग अब आगे चलते हैं बच्चे, अच्छे से बस समझते जाना आप, मैं पूरा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसका लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है बाबू किसका लैंग्वेज है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, इंग्लिश एक कंप्यूटर का भाषा है, इंटरनेट की भाषा है, विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट बी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, इंग्लिश के बिना इंडिया अच्छे से डेवलप कर ही मतलब विकसित देश नहीं बन सकता है, ठीक है, विकसित, अभी क्या है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, डेवलपिंग है, और बनना क्या है इंडिया को, डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री, वो सब विकसित देश है, पर इंडिया क्या है, विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। तो ये कह रहा है कि इंग्लिश के नॉलेज के बिना इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है, इंग्लिश के नॉलेज के बिना, ठीक है, मतलब यहाँ के हर व्यक्ति जब इंग्लिश जान जाएगा तो उसी समय समझ जाना कि इंडिया क्या हो गया, डेवलप्ड कंट्री हो गया है। अब आगे चलते हैं, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर गेटिंग जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो बाबू, और ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश, जिसके पास, जिसको बोलना आता है, जिसके पास इंग्लिश की नॉलेज है, वो क्या कर सकता है, बहुत आसानी से वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इन द पास्ट इंग्लिश ओपन न्यू आइडिया, इन द पास्ट इंग्लिश ओपन न्यू आइडिया टू द लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, रिक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इंडियंस, इट रोल्स ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कैन नॉट बी डिनाइड, कर रहा है इन द पास्ट इंग्लिश ओपेंड न्यू आइडिया, कर रहा है जो पास्ट टाइम में जो इंग्लिश का प्रयोग होता था वो क्या किया, एक न्यू आइडिया लगाया, लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायर्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इंडियंस, पश्चिम देश ने इंडियन के लिए एक तरह का ये लगाया कि आप लोगों को लेटेस्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी, एक नए न्यू आइडिया लाया है ना पास्ट टाइम में ही।
इट्स रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कैन नॉट बी डिनाइड, जो कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, कैन नॉट बी डिनाइड, इस मतलब इस भूमिका को वो इनकार नहीं कर सकता है। एज अ लिंक लैंग्वेज, इंडिया का एक लिंक लैंग्वेज, इंडिया में इंग्लिश जो है एक लिंक लैंग्वेज के तौर पे आ गया। कब? जब अंग्रेज आए थे भारत में, तो वही सब क्या कर दिया, हम लोगों को इंग्लिश सिखा करके चले गए, आधा अधूरा इंग्लिश, और उसको अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा करने में लगे हुए हैं, है ना, अब पूरा हो जाएगा एक दिन। और इंग्लिश के साथ हम लोग को हिंदी तो जानते ही, इंग्लिश भी कंपलसरी है बाबू, इसलिए दोनों को मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश हैज बीन ब्रिंगिंग, इसलिए तो देखिए इस बार हिंदी और इंग्लिश क्या कर दिया गया, 100 नंबर बराबर कर दिया गया है, पहले हिंदी कम होता था, है ना, इसलिए इस बार दोनों को एक पैमाने पर रख दिया गया है। इंग्लिश हैज बीन ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश को क्या किया गया है, ला दिया गया है पीपल ऑफ इंडिया के, मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा क्या किया गया है, ला दिया गया है, एकदम पूरी एकता के साथ इंग्लिश को एक जगह पर ला दिया गया है। स्पीकिंग डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, अब फिर हम लोग अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लार्जर पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इसलिए हम लोगों को इंग्लिश जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना बाबू। अब हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है बाबू, मॉडल पेपर में भी आया है और इस बार आपके एग्जाम में पूछेगा भी, मॉडल पेपर में आया है ये क्वेश्चन। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, आप आर्ट्स का भी मॉडल पेपर देख लेना और साइंस का भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, हाँ बाबू, अब देखो, द मॉडर्न एज हैज एमर्ज्ड एंड ईरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कह रहा है मॉडर्न इंग्लिश पे एक नोट बनाइए। 2015 में पूछा है, 11 में पूछा है, 10 में पूछा है, इस बार आपके मॉडल पेपर में भी आ गया है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। द मॉडर्न एज हैज एमर्ज्ड एंड ईरा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड विथ अ डीप सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कह रहा है मॉडर्न एज में इमर्ज कर दिया गया है, इस युग में डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड विथ अ डीप सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे इंग्लिश क्या हो रहा है, इंटरनेशनल तौर पर इसका एक डिमांड बढ़ता जा रहा है, वही मॉडर्न इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंग्लिश को ही सब जगह क्या कर दिया गया है, आगे कर दिया गया, इसलिए डीप सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में भी, मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे विश्व में इसकी डिमांड हर तरह से बढ़ गई है। इट इज ऑल्सो ट्रू डैट इंग्लिश इज बींग स्पोकन बाई अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये सच भी है कि इंग्लिश का प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इंग्लिश बोलते हैं, बोलने में प्रयोग करते हैं। एज सच बींग अ कॉमन लैंग्वेज बींग स्पोकन इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, इट हैज ऑल्सो एमर्ज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्सिक्वेंटली, एंड इंडिविजुअल नीड्स टू लर्न टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ टू अदर्स इन नो अदर लैंग्वेज, कह रहा है बाबू कि उसी तरह से कॉमन लैंग्वेज के तौर पे हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं, और सभी देश ने, ऑल कंट्रीज इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और सभी देश ने अपने कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में किस तरह का भाषा का प्रयोग करने लगे, इंग्लिश को ही करने लगे, ताकि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है कि जो सभी लोग समझ सकते हैं, सभी देश के लोग, तो कॉमन लैंग्वेज बना दिया है विश्व स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे। कॉन्सिक्वेंटली एंड इंडिविजुअल, कॉन्सिक्वेंटली एंड इंडिविजुअल, अच्छे से समझना आप, अब ये है कॉन्सिक्वेंटली, देखो ऊपर वाला लाइन है जिसको मैं अंडरलाइन नहीं किया हूँ, कॉन्सिक्वेंटली एंड इंडिविजुअल नीड्स टू लर्न टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ टू अदर्स इन नो अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश विच कुड एश्योर हिम अ लाइवलीहुड, कह रहा है कि हम लोग इंग्लिश, हम लोग जितना भी कम्युनिकेट करने के लिए, हम लोग आपस में जो भी कम्युनिकेट करते हैं बड़े स्तर पर, बड़े सिटीज़ में, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग दूसरे लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, मतलब हम लोग गाँव घर में नहीं, सिर्फ बिहार है ना, 5-7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ नहीं बोला जाता इंग्लिश बड़े स्तर पे, बाकी जितना भी स्टेट है सब जगह इंग्लिश बोला जाता है, इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। तो ही कह रहा है कम्युनिकेट हिमसेल्फ टू अदर नो अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश विच कुड एश्योर हिम अ लाइवलीहुड, हम लोग को जीविका, लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, भोजन पानी का इंतजाम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए बाबू हम लोगों को इंग्लिश सीखना तो बहुत कंपलसरी हो गया है। वही कह रहा है कि बिना इंग्लिश सीखे दूसरा लैंग्वेज हम कितना भी जानते हैं कुछ नहीं होने वाला जब तक इंग्लिश हम नहीं जानते हैं। वही कह रहा है इंग्लिश विच कुड एश्योर हिम अ लाइवलीहुड, हेंस वन कैन नॉट डू विदाउट इंग्लिश इन द मॉडर्न एज, इस मॉडर्न एज में, आज के आधुनिक युग में हम लोग इंग्लिश
इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इट हैज़ बिकम्स एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एमिडस्ट कटिंग कंपटीशन एज ऑक्सीजन इन फॉर एग्जिस्टेंस। कह रहा है आज के युग में, मॉडर्न एज में, इट हैज़ बिकम्स इंग्लिश, इट हैज़ बिकम्स मतलब इंग्लिश इसेंशियल हो गया फॉर सर्वाइवल एमिडस्ट कटिंग। एमिडस्ट मतलब होता है बीच में, के बीच, कटिंग कंपटीशन एज ऑक्सीजन इन फॉर एग्जिस्टेंस। कह रहा है जैसे हम लोगों का जीवन, हम लोगों का अस्तित्व ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है, उसी तरह से आज हमारा जो जीवन है इंग्लिश के बिना संभव नहीं है। हम लोग अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं इंग्लिश के बिना, समझ गए? ये मतलब आज के डेट में कहा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल। देखिए बाबू, आपको कैसा लग रहा है अभी तक, जल्दी जल्दी बताइए, आप थोड़ा कमेंट करो बाबू, है ना, कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारा सेशन, फटाफट कमेंट करो। बॉस के साथ पढ़ रहे हो तो इस बार हिला देना है कि नहीं हिलाना है, जल्दी कहो, इस बार हिलाना है कि नहीं हिलाना है, हिला देना है, एकदम धुआं धुआं छोड़ा देना है, एग्जाम से निकलो तो लगना चाहिए कि एकदम चेहरे पर एक अलग तरह का क्या हो, ग्लोरियस हो आपके चेहरे पर, एक अलग तरह का तेज हो, है ना, खुशी हो आपके चेहरे देख करके ही लोग सोचने लगे कि आप कुछ करके आए हो एग्जाम में, है ना बाबू। तो ये क्वेश्चन भी इंडियन इंग्लिश नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया है, है ना। आपका मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया है, आप दोनों मॉडल पेपर देख लेना, आर्ट्स वाला भी और साइंस वाला भी, तो आपको दिख जाएगा ये चीज़ें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडियन इंग्लिश नॉवेल पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। 2015 में पूछा, 13 में, 11 में, इस बार मॉडल पेपर में पूछा, इसलिए मैं दिया हूँ। द इंडियन नॉवेल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सेंचुरी। करा इंडियन नॉवेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस अभी के सेंचुरी, मतलब इन आवर कंट्री, जी सेंचुरी गलती हो गया है, इन आवर कंट्री है, ठीक है, CONTRY होगा कंट्री। इट हेल्प्ड इंडियन नॉवेल रीडर्स टू एक्वायर द लेटेस्ट नॉलेज फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इंडियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज। कह रहा है कि हम पहले क्वेश्चन आप अच्छे समझ लो, इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडिया में जो इंग्लिश नॉवेल है उपन्यास, जैसे हिंदी का कुछ उपन्यास पढ़े हो ना आप लोग, नहीं पढ़े होगे शायद, तो इंग्लिश का भी क्या होता है उपन्यास होता है, उपन्यास मतलब वही कहानी वहानी, कहानी कथा जिसमें चलती है, उसको ही आप यहाँ पे नॉवेल समझ लो, ज़्यादा मत समझो, ज़्यादा बताएंगे आप बोर हो जाओगे। तो ये करा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडियन इंग्लिश नॉवेल के बारे में एक शॉर्ट नोट बताइए, ठीक है। करा द इंडियन, अब फिर से समझ, द इंडियन नॉवेल हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। इंडियन नॉवेल जो है हमारे कंट्री में बहुत एक अलग तरह का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट हेल्प्ड इंडियन नॉवेल रीडर टू एक्वायर्ड द लेटेस्ट नॉलेज फ्रॉम द पास्ट ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड इंडियन एंड वेस्टर्न कंट्री। कह रहा है कि हम लोग इट हेल्प, मतलब कि नॉवेल के ही मदद से, नॉवेल की सहायता से, इंडियन नॉवेल रीडर जो भी इंडिया में नॉवेल पढ़ते हैं, टू एक्वायर द लेटेस्ट नॉलेज, वो लेटेस्ट नॉलेज पाते हैं पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक का, कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है, समझ गए ना। द इंडियन नॉवेल गेव द डायमेंशन ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। कह रहा है इंडियन नॉवेल एक तरह का दिया है हम लोग को, दिया डायमेंशन ऑफ, एक तरह का दिशा दिया, ए नेशनल मूवमेंट टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल अपार्ट फ्रॉम द फ्रॉम दिस द अदर वैल्यूएबल टॉपिक बिगिन एडॉप्टेड बाय द इंडियन नॉवेल। कह रहा है इंडियन नॉवेल जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक तरह से क्या किया, एक टॉपिक को एडॉप्ट किया, जैसे हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल जिस समय हो रहा था बाबू, फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लोग भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू जी सब मिल करके, है ना, पटेल जी, ये सब लोग मिल करके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जब उस समय लड़ रहे थे, तो उस समय इंग्लिश नॉवेल और हिंदी नॉवेल का बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभाव था, उससे लोग पढ़ पढ़ करके एकदम मोटिवेट होते थे, है ना, वही बातें कही गई है। अब देखो कह रहा है, इन द अदर वैल्यूएबल टॉपिक बिगिन एडॉप्टेड बाय द इंडियन नॉवेल, जैसे अब लास्ट लाइन है, अनटचेबल इन आवर सोसाइटी, अनटचेबल इन आवर सोसाइटी, इंडिजिनस बैंकर, इंडिजिनस बैंकर, इंडिजिनस बैंकर्स मतलब होता है स्वदेशी लोग, स्वदेशी बैंकर्स फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी एंड अ वेरी सिंपल नॉवेल। कराइंड जो स्वदेशी लोग थे, जो अपने देश के लोग थे, वो 19th सेंचुरी कहने का मतलब होता है उससे एक साल घटा दो, मतलब 100 साल घटा दो, ठीक है, 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर के 1899 तक की बात हो रही है, ठीक है, उसी को 19th सेंचुरी कहते हैं, 19th सेंचुरी एंड अ वेरी सिंपल नॉवेल, उस समय तक बहुत सिंपल नॉवेल आया था 1800 से लेकर के 1900 के बीच में।
द शैडो लाइन्स एक नॉवेल आई थी, द शैडो लाइन्स द इंडियन इंग्लिश नॉवेल, एक नॉवेल थी द शैडो लाइन्स, कौन टाइम में 19th century में आई थी, ठीक है, उसी के बारे में कहा गया द इंडियन इंग्लिश नॉवेल रिफ्लेक्ट्स आवर ऑन सोसाइटी कल्चर। कह रहा है जो इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो था वो क्या करता था, रिफ्लेक्ट करता था आवर ऑन सोसाइटी कल्चर। इंडियन इंग्लिश नॉवेल उस समय जो लोग पढ़ते थे वो क्या होता था, हमारा अपना सोसाइटी, हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता उसमें दिखती थी, ठीक है। डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, जितने भी तरह का हमारे समाज में विषमताएं थी, क्रूतियां थी, जो भी घटनाएं घटती थी, सारा चीज़ हमारे उपन्यास में नॉवेल में दिया जाता था। सो डैट इज़ वाई वी कैन कॉल नॉवेल इज़ द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉवेल क्या था, साहित्य, नॉवेल मीन साहित्य, नॉवेल मतलब उपन्यास समाज का क्या था, दर्पण था, मतलब वही कहते हैं, उसी को दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप समझ गए ना बाबू। अब चलिए, अब हमारा क्वेश्चन यहीं से समाप्त होता है। आप इस वीडियो को सबको शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है सबको शेयर कर दीजिए, आग लगा दीजिए, और PDF आप मांग लीजिएगा, ठीक है। आपको कल तक PDF सबको पक्का मिल जाएगा, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आज रात को ही सबको दे दूँ, ठीक है। रात में थोड़ा जगना पड़ेगा हमें 2-3 बजे तक, पर चलिए आप लोगों के लिए इतना कर ही सकता हूँ।